हेलो गाइस, वेलकम टू माइनर एजुकेशन। सो आज की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है फॉर ऑल द लॉ सीईटी 5 ईयर्स 2024 एस्पिरेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द जीके बूस्टर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मिलते हैं 1500+ क्वेश्चंस। अब अगर हम जीके की बात करें गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है जीके सेक्शन का। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने चाहिए, क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है एग्जामिनेशन को लेकर, एंड ये वास्ट सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मॉक टेस्ट बूस्टर, जो कि आपके सीईटी लेवल के मॉक्स हैं। यस गाइज, यू ऑल हर्ड मी राइट, दीज आर सीईटी लेवल मॉक्स। ऑल कैन ऑल्सो चेक आउट आर टॉपर्स पॉडकास्ट वीडियोज, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने सीईटी लेवल मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद अपना फीडबैक भी दिया है, एंड उनकी प्रिपरेशन किस हद तक एक्सेलरेट हुई है, एंड कितने हेल्पफुल रहे ये मॉक्स उनके लिए, उनकी प्रिपरेशन को लेकर। सो ये सारी डिटेल्स भी जो है आपको हमारे टॉपर्स पॉडकास्ट के वीडियोज में देखने को मिल जाएगी। सो वो सारे वीडियोज भी ज़रूर देख लेना। But before we begin guys, make sure that you all subscribe our YouTube channel which is Maneuver Law Entrance channel, and hame social media pe follow kar lena which is Instagram, Facebook, you all can also join our Telegram channel and our WhatsApp group as well, jahan pe aapko current affairs related specific content mil jata hai, sari updates bhi mil jati hai, and most expected questions bhi hum groups mein post karte rehte hain. So starting with the preparation part, as I said earlier, time kaafi kam reh gaya hai aapke paas, and सबसे पहले गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स ने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लिया है मेन्यू एजुकेशन से, डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल है, आपको सारे चेक सारे देखकर फिनिश करने हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपका एंटायर सिलेबस कवर अप होता है, स्पेशली दोज क्वेश्चंस विच आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स किसी एक सेक्शन में वीक है, वेल कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स एज वेल। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में वीक हो, उस सेक्शन में आप मास्टरी कर सकते हो एंड अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, वेल कैन चेक आउट अ सेक्शनल कोर्स एज वेल। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट जो कि आपके सीईटी लेवल के मॉक्स होता है, जो भी आपको मिल जाता है टॉपिक वाइज में भी एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी, सो इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट आर ई बुक्स और बुक्स प्रोग्राम एज वेल। बुक्स जो है आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी वंस यू ऑर्डर। वेबसाइट जो आपको विजिट करनी है इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर, इट इज़ maneuveredu.com/lawentrance, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन एंड प्लानिंग पार्ट, स्पेशल वर्कआउट की अगर हम बात करें, स्पेशली विद द जीके सेक्शन। अब जीके सेक्शन में आपको यहाँ पर दो एरियाज कवर करने हैं, विच इज़ योर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। करंट अफेयर्स के केस में एटलीस्ट आपको प्रीवियस वन ईयर का करंट अफेयर पता होना चाहिए, एंड स्टैटिक जीके को लेके आप काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड होना चाहिए, सो दैट आप रॉन्ग ऑप्शंस को जो सिलेक्ट ना करो, सारे करेक्ट आंसर्स आपको पता होने चाहिए। सो इन पर्टिकुलर एरियाज़ को लेके स्पेशली हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज़ आर जीके बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलते हैं 1500+ क्वेश्चंस, जो कि है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टाइम। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं पास्ट पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि मेन्यूअर एजुकेशन के जो फैकल्टीज़ है हर साल सीईटी का एग्जामिनेशन लिखते हैं। पेपर एनालिसिस के वीडियोज़ जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे कौन से सब क्वेश्चंस हैं जिनके बनने के आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है, इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिल जाता है। आगे हम देखने वाले हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर मॉक एंड मॉक एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस मिथ में भी रहते हैं कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, हमारी प्रिपरेशन ही कम्प्लीट नहीं हुई है, हम मॉक कैसे अटेम्प्ट करें। बट मॉक अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलता है डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, क्योंकि आप जितना कंफर्टेबली प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आपकी स्पीड जो है प्रिपरेशन की थोड़ी बढ़ जाए। एंड मॉक अटेम्प्ट करने पे आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं एंड वीक एरियाज़ कौन से हैं।
एनालिसिस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होता है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मॉक के लिए 1 आवर दे रहे हो तो एनालिसिस के लिए एटलीस्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स तक का टाइम आप दे सकते हो। एनालिसिस काफ़ी थरली करनी है आपको। एनालिसिस करने पे आप और इजीली समझ पाओगे कि आपने क्या मिस्टेक्स की है, सो दैट जब आप आपका 5th 4th मॉक अटेम्प्ट करो उसमें वो मिस्टेक्स आप ना करो। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप CET का एग्जामिनेशन लिखने वाले हो। अब बात करें अगर हम CET की, तो CET एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे आपकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके भी आपको जो है मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करने वाला है। आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कितने टाइम में, सो दैट आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये सारे मिस्टेक्स ना करो जो आप मॉक में करोगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डजेंट मीन कि आप एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। एक्यूरेसी के साथ स्पीड बहुत मैटर करती है, सो मेक श्योर दैट आप एक्यूरेसी पे भी फोकस करो। एक्यूरेसी आप कैसे बिल्ड करोगे? आपकी प्रिपरेशन के थ्रू। जितना आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जितना आप अच्छे से रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होगी, स्पीड बिल्ड होगी आपके मॉक अटेम्प्ट करने से। क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उतना आपकी स्पीड पे काम होगा एंड आप टाइम मैनेजमेंट में भी यहाँ पे एक्सेल करोगे। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर मॉक टेस्ट। सो मेक श्योर जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो ये सारे पॉइंट्स का आपको खास ध्यान रखना है। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स द वेबसाइट जहाँ से आपको मॉक्स एक्सेस करने हैं एंड GK बूस्टर का प्रोग्राम एक्सेस करना है। सो फॉर दैट सिंपली विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ manuveredu.com। क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, यहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस पे आ जाना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के टैब में आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो MS Law CET 5 ईयर्स मॉक टेस्ट बूस्टर, जिसमें आपको मिलता है 10 सेक्शनल एंड 20 फुल लेंथ। काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट प्रोग्राम बनाया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने सेक्शंस कवर किए, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कवर कर ली है, गाइस स्टार्ट अटेम्प्टिंग द सेक्शनल टेस्ट एंड उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना। ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, कंसिडरिंग कि ये CET लेवल का मॉक्स है। मिनिमम एजुकेशन के जो मॉक टेस्ट है वो आपको एक लेवल डिफ़िकल्ट ही मिलने वाला है, सो दैट आप एक्चुअल एग्जाम में जो है पैनिक ना हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देके एंड आप अच्छा स्कोर निकाल सको इजीली। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू ऑल हैव टू चेक आउट फॉर द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। दिस इज़ लॉ GK मॉक बूस्टर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको मिलता है 1500 प्लस क्वेश्चंस। अगेन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोग्राम मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लोगे अगर आप GK की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो तो। क्योंकि GK काफ़ी वास्ट सिलेबस है एंड फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने साल तक का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है एंड उसको याद भी कैसे करना है, उस पर भी आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। सो यू ऑल कैन चेक आउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जहाँ पे आप इजीली मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो एंड उसके थ्रू जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सो मेक श्योर टू चेक आउट दीज टू प्रोग्राम्स। दीज टू प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन बाई एक्सपर्ट्स हु हैव ईयर्स ऑफ CET एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस। आई विल लिंक बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो एज गाइस टाइम काफ़ी कम रह गया है, अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट पेस पे लाने की ज़रूरत है एंड स्मार्टली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है उन क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा है, रादर देन जस्ट वेक प्रिपरेशन। सो यस गाइस मेक श्योर टू चेक आउट दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, प्रिपरेशन वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब इन योर लॉ एंट्रेंस चैनल एंड मेक श्योर टू चेक आउट आर प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल जो चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी दी गई है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। सो यस दैट वॉज प्रेटी मच इट फ्रॉम माई साइड एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।